में उत्तराखंड में लाखा मंडल में, यहाँ पर हैं हमारे साथ पांडव गुफा के बाबा जी महंत जगदीश्वर पुरी जी। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, इस गुफा के बारे में मैंने बहुत सुना है और आज मैं इनसे आपसे इसकी विशेषताएं जानना चाहता हूँ। श्री जगदीश्वर पुरी महाराज जी से हम कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे जिसमें वो उन इस गुफा की विशेषताएं बताएंगे। जी, ये गुफा है, प्राचीन पांडव गुफा नाम से जानी जाती है और इस गुफा को जो है वो किसी को पता नहीं कि कब की बनी हुई है ये गुफा। लेकिन लोग जो यहाँ के बूढ़े लोग हैं, जो लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि पांडव लोग जो हैं यहाँ से बाहर निकले हैं, जब उन्हें लक्षाग्रह में जलाया जा रहा था तो तब वो यहाँ से बाहर निकले हैं और यहाँ लाखा मंडल में उन्होंने अज्ञातवास का समय बिताया। अच्छा, अज्ञातवास का समय बिताते हुए उन्होंने 125,000 लिंगों का निर्माण किया। वो कहाँ पर किया बाबा जी? ये आगे चल के मंदिर जहाँ है, हाँ जी, मंदिर के अगल बगल है वो मंदिर के चारों। 125,000 शिवलिंग, 125,000 शिवलिंगों की का निर्माण किया। और यहाँ पर जहाँ पर भी आप खोदते हैं, जहाँ पर भी खोदेंगे वहीं पर लिंग प्राप्त होता है या कोई मूर्ति प्राप्त होती है, कोई ना कोई अवशेष अवश्य मिलते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने पांडवों ने जो है यहाँ पर अज्ञातवास बिताते हुए जो है कुछ समय यहाँ बिताया। उसके बाद विराट खाई नाम से 30-35 किलोमीटर आगे पड़ता है लाखा मंडल से और ऊंचाई पर है विराट खाई, वहाँ पर राजा विराट का राज रहा है। राजा रहा है उसके महल और वो राज्य के कुछ अवशेष अभी भी हैं। तो वहाँ पर उन्होंने पांडवों ने जो है अपना रूप बदल करके जी उनकी सेवा की, उनकी नौकरी की। तो रूप क्यों बदला? रूप इसलिए बदला कि वो अज्ञातवास में थे, अगर सही रूप में जाते तो न तो उन्हें कोई नौकरी रखने वाला था। उतने बड़े धनुर्धारी अर्जुन का नाम सुन के कौन रख लेता नौकरी उनको, न तो कोई नौकरी रखने वाला था। एक बात है। और फिर पांडवों को पता लग जाता कि फलां जगह है, इसलिए पांडवों से बचने के लिए और अपना सही वो दिखाने के लिए जो है तब उन्होंने रूप बदला। अच्छा, रूप बदला, कोई लकड़ी का काम करने लगे, कोई गौ को चुगाने लगे, कोई कुछ करने लगे, कुछ महलों का झाड़ू पोछा करने लगे, ऐसा काम करने लगा। तो वहाँ पर उन्होंने समय बिताया, उसके अवशेष भी यहाँ पर कि वास्तव में उन्होंने जो है यहाँ समय बिताया। आगे जो है पता नहीं, ये तो आदिकाल से गुफा और पता नहीं किस मसाले से ये बनी हुई है। हाँ जी, इसमें कोई खाली गारा और बजरी है, ये रोड़ा और बजरी, और ये ठंडी रहती है हमेशा गुफा, हमेशा ठंडी रहती है। हाँ जी, ठंडी रहती है। इस समय आप आए होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि हम एसी के अंदर घुस गए, एसी के अंदर घुस गए, लेकिन अलग सी शांति है गुफा के अंदर। यहाँ पर किसी प्रकार का वाइब्रेशन या प्रदूषण कोई किसी प्रकार का नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, नहीं कोई नहीं, स्वतंत्र साफ सुथरा। अपना जैसे वहाँ ध्यान करना हो ध्यान कर सकते हैं, अपने आनंद से भगवान का भजन जो भी कार्य कर रहे हो। आप अभी आए तो मैं अपने कैशियो पे लगा हुआ था, मैं अपना राग अलाप रहा था, मैं तो इसीलिए कि एकांत है, इसीलिए है एकांत है। बार बार आते आने वाले हो तो तब उस कार्य को नहीं कर सकता था। तो इतना है यहाँ पर कि जैसा चाहो वैसा अपना। तो बाबा जी, ये मतलब कि ये क्यों कहा जाता है यहाँ पर कि पांडव यहाँ पर आए थे और उन्होंने मतलब कि शिवलिंग की स्थापना उन्हें क्यों करने के लिए बोला गया था? हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। ऐसा है जी, उनको एक श्राप था। हाँ जी, अब ये जिनका श्राप था उनका तो मैं नाम नहीं, मेरे को याद है, क्षमा चाहूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन श्राप था उनको कि तुम जब तक 125,000 लिंगों की स्थापना नहीं करोगे तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, फिर वो शिव जी की ढूंढ में पड़े उस श्राप से मुक्त होने के लिए। फिर उन्होंने शिव जी की ही आराधना शुरू कर दी, समझिए कि शिव जी को पाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तब जाकर के शिव जी का प्रतीक क्या है कि लिंग है। हाँ जी, तब उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उस 125,000 लिंगों का वो किया, जैसे रावण ने 10
चीज काटे अपनी सिद्धि के लिए कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो। हाँ जी, उसी प्रकार से मतलब उन्होंने श्राप की मुक्ति के लिए 1,25,000 लिंगों की स्थापना की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हम इस श्राप से मुक्त हो जाएं। श्राप से मुक्त होंगे तब शिव जी हम पे प्रसन्न होंगे, नहीं तो शिव जी नाराज हैं कि ये तो श्रापित हैं, इन्हें दर्शन कैसे दिए, हम ये तो श्रापित हैं। तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने जो है 1,25,000 लिंगों की स्थापना करी, शिव जी के विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं बनाई, कई प्रकार की प्रतिमाएं हैं बनी हुई, और जो कि जमीन से भी निकल रही हैं, कुछ निकली हुई हैं। हाँ जी, तो ऐसे अवशेष हैं पांडवों के, इसलिए ये तो ये अवशेष हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे? ये आप अभी आगे मंदिर पे गए नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, जब आप मंदिर पे जाएंगे वहाँ आपको सब कुछ दिखाई देगा। बाकी वहाँ कुछ ऐसा भी है, कुछ पंडित भ्रमित में डालते हैं, ऐसा भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है ना, बहुत लंबा वो ये शो करते हैं, भ्रमित कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपना देखना और उनको भी साथ लेना, जो साथ आएगा आपके गाइड बन करके, उनको भी लेना और अपने हिसाब से देख। बाबा जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप स्वयं चलकर हमें इस गुफा के दर्शन कराइए। ठीक है, आइए। ये गुफा है, आइए अमृत जी, आ जाइए। ये गुफा देखिए, इधर इधर है, ये इधर को तो बंद कर रखी है, ये इधर को देखिए, एक ये। हाँ जी, अब बताइए बाबा जी, यहाँ पर। हाँ जी, ये बंद कर रखी है अभी। हाँ जी, अब एक ये आपके पीछे जा रही, ये वाली। हाँ, वो भी जा रही है। इधर आइए अमृत जी, कैमरा लाइए इधर। ये देखिए, आपको देखने से नहीं लग पा रहा होगा क्योंकि पूरा अंधेरा है यहाँ पर। हाँ जी, लेकिन ये गुफा काफी लंबी है। हाँ। और अगर मैं आपको दूसरा छोर इसका दिखाऊं तो वहां से आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि सारी गुफाएं बहुत ज्यादा लंबी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छा ये गुफा, फिर ये है इधर बाईं तरफ से। ये भी काफी लंबी जा रही है अंदर। तो इसमें से बाबा जी, ये पांडव जी स्वयं आए थे इसमें से निकल कर? कहते तो ऐसा ही हैं जी, अब वो किस भेष में आए, कैसे आए वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, असली यहाँ का दर्शन ये है, ये इधर से आइए मेरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से देखिए, ये लिंग है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी लिंग है, ये भी लिंग है, इसके बाहर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये नाग का है। हाँ, नाग का घेरा मारा हुआ है और फन ये है ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये आ रहा होगा नजर, कैमरे में आ रहा होगा ये वाला। हाँ जी, जहाँ पर आप। हाँ, मेरा फोकस जहाँ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। तो ये है जी यहाँ के दर्शन, ये जो है वो। मन बहुत प्रसन्न हुआ बाबा जी यहाँ आकर, और असीम शांति। थोड़ा टाइम मैं यहाँ रुका हूँ, लेकिन मुझे अगर मैं अपने आप, मेरा मन बहुत विचलित रहता है बाबा जी, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा मतलब कि मुझे शांति का अनुभव हुआ है। जय, 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 बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अगर आपके मन को शांति मिली यहाँ आकर के, हाँ जी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसे दूसरे को भी मिलती होगी। हाँ जी, हाँ जी।